तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रामकिशन और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के समय हमें गूगल पे या फिर फोन पे की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि दोस्तों सभी जगह पैसों का लेन देन ज़्यादातर गूगल पे या फिर फोन पे से ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है गूगल पे या जी पे जिसे हम कहते हैं कि आईडी यानी कि गूगल पे पर अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं और कैसे अपने गूगल पे से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, ताकि आप भी किसी को पैसे भेज सकें और या फिर आप भी किसी से पैसे ले सकें, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, गूगल पे पर आईडी बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको गूगल पे चाहिए यानी कि गूगल पे एप्लीकेशन चाहिए जो आपके मोबाइल पर होना चाहिए इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स, जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर सबसे ऊपर ही यहाँ लिखा हुआ डाउनलोड जी पे या गूगल पे। ओके दोस्तों, जी पे को ही गूगल पे कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो लिंक पड़ी हुई है, आप इस लिंक पर क्लिक करके और गूगल पे को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पर। ओके, फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस होती क्या है इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब मैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो आप तक मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएंगी। दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है मेरा जी पे या गूगल पे। दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। ओके, फिर दोस्तों कुछ परमिशन मांगे तो परमिशन आपको अलाउ कर देना है, और परमिशन देने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर वो वाला नंबर डालना है, मोबाइल नंबर जो कि किसी बैंक अकाउंट से लिंक है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो फिर उस नंबर को नहीं डालिए, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक नंबर डालने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। ओके, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक OTP आएगा, जो कि दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, ठीक है ना। दोस्तों आपको SMS देखना है, और SMS देखने के बाद जो भी OTP आया हुआ है उस OTP को यहाँ पर इंटर करना है। ओके दोस्तों, जो OTP आया हुआ है उस OTP की वैलिडिटी यानी कि जो टाइम है, तो केवल वो 30 सेकंड के अंदर अंदर ही आपको डालना होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं OTP डाल के फिर आगे नेक्स्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, OTP डाल के जब आप नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है यूज योर स्क्रीन लॉक, यानी कि गूगल पे में जब आप इंटर करते हैं मोबाइल बंद करने के बाद या दोबारा कभी जब आपको काम पड़ता है, दोस्तों आप कौन सा लॉक यूज करना चाहते हैं, जो आपके स्क्रीन लॉक है वही वाला लॉक, या फिर दोस्तों आप अलग से 4 अंकों का पिन बनाना चाहते हैं, कितने अंकों का भी, ठीक है ना। दोस्तों जो यदि आप पिन बनाना चाहते हैं तो आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको पिन बनाकर अभी नहीं बताता, क्योंकि दोस्तों पिन सिंपल है, यदि आप इंटर करते हैं वहाँ पर तो आपको 4 अंकों का कोई भी पिन बना लीजिए, जब आप इंटर करेंगे बार बार तो आपको पिन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इसका मतलब ये है दोस्तों, इसमें सिक्योरिटी है कि कोई और आपके एप्लीकेशन पर बिना आपकी इजाज़त के इंटर नहीं कर सकता। ओके, तो दोनों ऑप्शन है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ़िलहाल के लिए स्क्रीन लॉक ही रहने देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स पिन सेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको अलाउ कर देना है, यानी कि दोस्तों जो यहाँ पूछ रहा है गूगल पे कि अलाउ GPay टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, यानी कि यदि आप यहाँ पर अलाउ कर देते हैं तो जितने लोग भी आपके फ्रेंड्स जो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं गूगल पे चलाते हैं, तो सबके पास वो मैसेज चली जाएगी कि आप जो है गूगल पे यूज करने लगे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आप अलाउ कर दें। अब दोस्तों आपका जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का काम हो जाता है ख़त्म। अब बारी आती है कि आपको किसी को पैसे भेजना है। तो दोस्तों पैसे भेजने के लिए या फिर किसी से पैसे लेने के लिए आपको जो है बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट कहाँ से लिंक करना मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर जो ऊपर लोगो दिख रहा है आपको, तो इस लोगो पर टच करना है। दोस्तों अब आप इस तरह से इंटरफेस देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जो आप ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं सेंड मनी का, सेंड मनी या फिर बैंक अकाउंट, तो दोस्तों अभी आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो अभी पैसे नहीं जाएंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, ठीक है ना। दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होता है, यानी कि आपका बैंक कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपना बैंक नीचे दी हुई लिस्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको नीचे नहीं मिल रहा तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च का भी ऑप्शन है, तो आप अपना बैंक का नाम लिख के सर्च भी कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आप अपना बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। ओके, और फिर दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद दोबारा से आपको एक बार फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो आपको दोबारा से एक बार कंटिन्यू कर देना है। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, तो जो आपका एटीएम कार्ड है दोस्तों, यदि आपका एटीएम कार्ड नहीं है तो आपका जो है गूगल पे अकाउंट नहीं बनेगा, तो इसके लिए सॉरी यार। लेकिन यदि आपका यदि आपका एटीएम कार्ड है जिससे कि आप पैसा निकालते हैं एटीएम मशीन से, तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर अपने कार्ड के जो 12 अंक या 16 अंक होते हैं, तो आपको अपने कार्ड के लास्ट के 6 अंक यहाँ पर डालने हैं। और 6 अंक डालने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नीचे MMYY, तो यहाँ पर आपको कार्ड की लास्ट डेट डालनी है, यानी कि एक्सपायरी डेट डालनी है कि आपका कार्ड कब तक ख़त्म होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर इतना डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से जब आप यहाँ पर कार्ड के लास्ट 6 डेट डालने के बाद नेक्स्ट करते हैं सब कुछ करने के बाद, तो आपको एक बार फिर से आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। तो दोस्तों, OTP हालांकि ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है, लेकिन यदि आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो आपको मैसेज बॉक्स पर जाना है और वहां पर OTP देख करके यहां पर OTP डालना है। और OTP डालने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, जब आप OTP डाल के नेक्स्ट कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर सेट 6-डिजिट UPI पिन, यानी कि दोस्तों आप यहां पर आपको अपने गूगल अकाउंट का यानी कि गूगल पे अकाउंट का UPI पिन सेट करना है। अब दोस्तों, UPI पिन मैं आपको बता दूँ कि UPI पिन क्या होता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ जल्दी से कि UPI पिन एक ऐसा पासवर्ड होता है जिसकी मदद से आप किसी को पैसे भेज सकते हैं। यदि दोस्तों किसी को पैसे आपको भेजना है, यानी कि मान के चलिए आपको 10,000 रुपये भेजना है, तो सबको सिलेक्ट करने के बाद यदि आप 10,000 रुपये भेजने के लिए जब आप तैयार हो जाते हैं, तो वहां लास्ट में आपको आपसे ये UPI पिन पूछा जाएगा। दोस्तों, जब आप UPI पिन डाल देंगे तभी जो है वो पैसा आगे जाएगा। ओके दोस्तों, मान के चलिए आपका एप्लीकेशन कोई और यूज कर रहा है, और दोस्तों यदि उससे UPI पिन पता नहीं है, तो वो आपके बिना परमिशन के किसी को भी पैसे सेंड नहीं कर सकता। भले वो UPI गूगल पे पर आपको लॉगिन कर जाए, भले ही गूगल पे सब कुछ चला ले, लेकिन ना वो बैलेंस चेक कर सकता है आपके अकाउंट का, और ना ही किसी को पैसे सेंड कर सकता है, और ना ही किसी का रिचार्ज कर सकता है। मतलब कि बिना UPI पिन के वो कुछ भी नहीं कर सकता है, बिना आपकी परमिशन के और बिना UPI पिन के। ओके दोस्तों, ये होता है UPI पिन, तो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आप UPI पिन सेट करना चाहते हैं, तो आप वो नंबर डाल सकते हैं। और दोस्तों, उस UPI पिन को आपको याद रखना है, या फिर आप दोस्तों कहीं पर लिख कर भी उस UPI पिन को रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसकी ज़रूरत तो आपको पड़नी ही पड़नी है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स, जो पिन अभी अभी आपने सेट किया हुआ है, तो उसे एक बार फिर से कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसी पिन को जो कि अभी आपने डाला, तो दोबारा एक बार यहाँ भी डालिए, तो दोस्तों वो आपका UPI पिन फिर परमानेंटली सेट हो जाएगा। हालांकि इसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो ये सेट हो जाएगा। फिर आपको किसी को भी पैसे भेजना है तो आप भेज सकते हैं, किसी से पैसे ले सकते हैं। तो हालांकि लेने के लिए तो UPI पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पैसे किसी को देने के लिए, सेंड करने के लिए UPI पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं दोबारा वही नंबर डाल देता हूँ जो कि मेरे नंबर पड़ा हुआ था। ओके, तो फ्रेंड्स, सब कुछ सेट करने के बाद, UPI पिन सेट करने के बाद और गूगल पे पिन सेट करने के बाद, ओके, आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो आपने सबसे ऊपर सेट किया हुआ था पिन, तो वो दोस्तों आपके एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि कोई भी आपके एप्लीकेशन पर फालतू इंटर ना करे और एप्लीकेशन पर इंटर करके फालतू की चीज़ें ना चलाए। इसलिए जो आपका सबसे ऊपर पिन पड़ा हुआ है, तो वो आपकी गूगल एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए है। और दोस्तों, जो अभी अभी आपने पिन सेट किया हुआ, तो इस पिन की मदद से आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं, यानी कि पैसे की सेफ्टी रख सकते हैं। आपको बिना बताए कोई भी आपके अकाउंट से पैसे सेंड नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, ये दोनों जो है पासवर्ड अलग अलग हैं। तो पहला पासवर्ड एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए, और दूसरा पासवर्ड है आपके पैसों की सिक्योरिटी के लिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया है, किसी को पैसे कैसे सेंड करते हैं। तो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, और यहाँ ऊपर आई बटन में भी लिंक।